शिवपुरी जिले के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पावा पर पिकनिक मनाकर लौट रहे एक 22 वर्षीय युवक की छोटा हाथी वाहन पलटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक अपने दोस्तों के साथ शुक्रवार को पिकनिक मनाने प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पावा जल प्रपात गया हुआ था। यहां पिकनिक मनाकर युवक अपने दोस्तों के साथ छोटा हाथी वाहन में सवार होकर लौट रहा था, तभी परीक्षा और पावा के रास्ते में छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। रास्ते से गुजर रहे पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने घायल को अपने वाहन से पोहरी अस्पताल में भर्ती कराया, वहां से शिवपुरी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आनंद कुशवाहा उम्र 22 साल और उसका दोस्त अंतर सिंह कुशवाहा धर्मेंद्र धाकड़ उम्र 20, विक्रम धाकड़ हल्के धाकड़ निवासी गण परीक्षा के साथ पावा मंदिर पर पार्टी करने छोटा हाथी वाहन क्रमांक RJ07GB6603 से गए हुए थे। शाम को पार्टी कर सभी दोस्त लौट रहे थे, तभी छोटा हाथी वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने से आनंद कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद सभी दोस्त आनंद कुशवाहा को वाहन से नीचे दबाकर भाग गए थे। बाद में मौके पर पहुंचे पूर्व राज्य मंत्री सुरेश राठखेड़ा ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। इलाज के लिए ग्वालियर जाते समय आनंद कुशवाहा ने रास्ते में दम तोड़ दिया। मामले में पोहरी थाना पुलिस ने शव पोस्टमार्टम कराकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।